गुड इवनिंग बच्चों, 4 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा। 15-20 न्यूमेरिकल होंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा वादा है आपसे, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो ऐसा एग्जाम में आपके साथ हो ही नहीं सकता कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई न्यूमेरिकल ना है। मैं चैलेंज दावा ठोक के कह सकता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे एक एक न्यूमेरिकल को, पूरी वीडियो को देख के जाना। अगर आपको मजा ना आए तो बेशक आप कमेंट में जी भर के गाली दे देना, जो मन करे वो बोल देना, लेकिन पहले वीडियो को देखना। हर चीज में आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पहला देखते हैं क्या क्या लिखा है। और मैंने इस क्वेश्चन में देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे सोल्व नहीं कर पाते। जो क्वेश्चन लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। शो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम और 6 ओम। 2017 में 3 मार्क्स आया था ये क्वेश्चन। मतलब 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक जैसे नाम लिख दिया मैंने, R1 है 9 ओम, तीनों ना R2 है 9 ओम और R3 है 9 ओम, ठीक है? 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 9 ओम के हैं, लिखा हुआ है ईच। तो मुझे इनको किस हिसाब से जोड़ूं, कि मतलब कितने सीरीज में और कितने पैरेलल में जोड़ूं कि हमारा इक्विवेलेंट कितना आया 13.5। देखना ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 13.5 और 9, तो मैं 9 में क्या ऐड करूं कि 13.5 आया है। कई लड़के बोलेंगे कि सर 9/2, सर 9/2 क्यों नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, तो सर मैं 9 में क्या ऐड करूं, मैं ऐड कर रहा हूं 4.5, ठीक है? ध्यान से समझना, क्या 4.5 को मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, मतलब इसका आधा, मतलब कितना हो गया ये 10, ये कट गया 5 से, तो 9/2, मतलब 9 में मैंने क्या ऐड किया, 9/2, ठीक है? तभी तो मेरा कितना आया 13.5। अब ध्यान से समझना, मतलब एक तो मुझे सीधा सीधा चाहिए और दो कैसे चाहिए? अब सर कैसे पता चलेगा सीरीज है या पैरेलल? देखो ध्यान से, हमें क्या पता है कि हम सीरीज में तो सीधे सीधे जोड़ते हैं और पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल का हमारा क्या होता है, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। अब ध्यान से देख समझना, ऊपर सेम हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होता है और या ऐसे समझ लो कि हमें ऊपर सेम नंबर लाना है, मतलब 1 और 1 मिलके 2 होंगे ना, और नीचे कितना होगा, नीचे अगर 9/9 होगा तभी तो ये 9 + 9 और ऊपर 1/9 मिलके कितना हो जाएंगे, 2/9। मतलब दोनों को मुझे कैसे जोड़ना होगा, दो को मुझे पैरेलल जोड़ना होगा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है? तो देखो ये 1/9 + 1/9, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2/9। अब इसी को जब हम पलटेंगे R इक्विवेलेंट, तो मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 9/2। आया समझ में क्या समझाना चाह रहा था मैं, आया समझ में? तो यहां पे आ गया मेरा आंसर आ गया कि भाई दो को मैंने कैसे जोड़े पैरेलल में और एक को कैसे जोड़ा सीरीज में। आई बात समझ में? इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ये कि दो को तो जोड़ दो पैरेलल, ये ले लिया ये ऐसे, ये जोड़ दिया एक और एक, ये जोड़ दिया और एक को ले लो यहां पे सीरीज बना दो ऐसे ऐसे, और इसको लिख दो 9 ओम और ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी समझाने की आपको, क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला, तो आपको आंसर मिल गया कि भाई कैसे करना है, एक बार फिर से देखो, फिर से रिकॉल करता हूं कि मुझे 13.5 लाना था तो 9 में मैं क्या ऐड करूं, मैं 9 में क्या ऐड करूं, भाई 4.5 ऐड कर दूंगा तभी तो आएगा 13.5, और 4.5 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 45/10, मैंने काट के क्या लिख दिया 9/2। तो मतलब 9 में 9 का आधा करना है और हमें पता है कि भाई 2 कब आएगा, जब ऊपर यहां पे 1/9 + 1/9, क्योंकि हमें पता है मैथ के अनुसार जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाते हैं, तो मतलब क्या हो गया ये 2/9, और फिर इसको मैंने पलटा तो क्या हो गया ये 9/2, तो इसी को मैंने ऐड करके लिख दिया। आगे देखो 13.5, तो मतलब मुझे दो को तो जोड़ना होगा पैरेलल और जो उसका इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ एक को जोड़ना होगा सीरीज में। आए बात समझ में? नोट डाउन करो। अब देखो अगला मिल गया होगा आपको आंसर। अब अगला देखो, अगला क्या लाना है मुझे, अगला लाना है मुझे 6 ओम। इक्विवेलेंट कितना लाना है, 6 ओम। अब ध्यान से समझना, 9 की टेबल में 6 नहीं आता, सीधी सी बात है ना, और 6 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं, किसकी,
9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 80। मैथ के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको कि भाई हमारे पास 9 है और 6 है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 80। यहां समझो एलसीएम ऑफ 9 एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 तो मतलब कितना आ गया 80। मतलब मुझे 18 ओम मिल जाए और 18 को मैं अगर 6 + 6 + 6 करूं तो आ गया, देखो सर कहोगे कैसे आ गया, अरे 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ध्यान से देखो। लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हमें क्या करना होगा देखो ध्यान से, पहले दो को सीरीज में जोड़ दो, दो को सीरीज में कैसे R1 + R2 तो कितना हो जाएगा 9 + 9 तो कितना आ गया ये 18 ओम आ गया। लेकिन सर हमें तो 6 ओम चाहिए था, तो 18 है, बिल्कुल आएगा वहां पे भी। अब देखो मैंने क्या बोला था एलसीएम, अब क्या लेना है मुझे 1/9 + 1/18, देखो इसको ऐड करो तो कितना आएगा 1/9 + 1/18, तो ये ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से करना कैसे है, इसको मैं 18 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2/18 + 1/18। और अभी हमने बताया था क्या कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज ऐड हो जाते हैं, मतलब 2 + 1 = 3 और 18, तो ये क्या हो गया हमारा। अब इसको मैं पलट दूंगा तो 18/3 मतलब 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो देखो अल्टीमेट करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, तो मैंने दो को कैसे जोड़ा, दो को मैंने जोड़ा सीरीज में, मतलब R इक्विवेलेंट, R1 R2 का इक्विवेलेंट कितना आ गया सीरीज में। अब मैं बफर दर R इक्विवेलेंट 1 ले लिया, अब फिर ले लेता हूं मैं R इक्विवेलेंट 2, 2 मतलब हमें तो 6 लाना है ना, ये तो 18 आया, तो इसको मैं 1/9 + 1/18 मतलब 2 को मैंने किसमें जोड़ा पैरेलल में, और मतलब 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में, आया समझ में, जो सीरीज में जोड़ा तो उसका इक्विवेलेंट क्या गया, तो पैरेलल में कोई जुड़ जुड़ते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा। देखो यहां से फर्दर वही मैंने अभी बताया था जस्ट आपको कि इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और प्लस 1/18, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखोगे 2/18 + 1/18 तो ये कितना आ जाएगा 3/18 सर, ये तो 1/R इक्विवेलेंट 2, लेकिन हमें क्या लाना था 6 लाना था, तो इसको पलट देंगे तो पलट के क्या हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू 18/3 मतलब क्या आ गया 6 आ गया, मतलब 6 हो। तो इसमें मैंने दो को कैसे जोड़े, दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में, आई बात समझ में, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की आपको मैथ के वे में। अगर फिर भी डाउट हो तो वीडियो को फिर देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।